Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Chavez Banaras। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत खा हूँ क्योंकि मेरे पेपर्स चल रहे थे और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो पिछले एक महीने से आई थिंक सो बड़ी ईद के बाद से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि हमारे इधर पेपर्स जो है ना वो डिले होते जा रहे थे और फाइनली जो है पेपर सब ख़त्म हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा एक वीक के अंदर 2 से 3 वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो काइंडली आप लोगों ने सपोर्ट करना है और अपना सपोर्ट दिखाएं और जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में यूट्यूबर्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबको पाकिस्तान के ऐसे 6 फेमस बच्चों से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 6, समी खान। दोस्तों समी खान एक पाकिस्तानी एक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ ड्रामा सीरीज के अंदर काम कर चुके हैं। समी खान ने अपने कैरियर का आगाज सुनो चंदा नामी एक ड्रामा सीरियल से किया। सुनो चंदा की मकबूलियत के बाद सुनो चंदा 2 भी बना। समी खान अपनी बेहतरीन अदाकारी के 22 हम स्टार में बेहतरीन चाइल्ड स्टार का अवार्ड भी जीत चुके हैं। हाल ही में खत्म होने वाले ड्रामा सीरियल मुश्क में इन्होंने अपने एक्टिंग के जौहर दिखाए। दोस्तों इनके YouTube चैनल के ऊपर 20.2 के सब्सक्राइबर हैं और ये व्लॉगिंग करते हैं। दोस्तों इस वक्त समी खान की उम्र 13 से 14 साल के दरमियान में है और दोस्तों इसी 13 से 14 साल की उम्र में इन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग करना शुरू कर दी है और यूट्यूब पर भी ये काफी फेमस हो चुके हैं। तो दोस्तों नंबर 5 पे हमारे पास आ रहे हैं पहलाज हसन। पहलाज हसन मशहूर एंकर इकरारुल हसन के बेटे हैं। वो इकरारुल हसन के साथ मुख्तलिफ टीवी शोज और रमजान ट्रांसमिशंस में भी शिरकत करते रहते हैं, लेकिन पहलाज ने अपने कैरियर का आगाज अलिफ ड्रामा सीरियल से किया जिसमें वो हमजा अली अब्बासी के बचपन के मोमिन का किरदार अदा कर रहे थे। पहलाज की जानदार एक्टिंग देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वो पहली बार एक्टिंग कर रहे थे, बल्कि पहलाज ने अपनी जानदार अदाकारी से बड़े बड़े अदाकारों को पीछे छोड़ दिया है। पहलाज हसन पिछले 1 साल से यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोस बनाते हैं और इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर 1,20,000 सब्सक्राइबर्स मौजूद है। पहलाज 1 साल के अंदर ही इतनी छोटी सी उम्र में 1,20,000 सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं। तो दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो की लिस्ट में नंबर 4 पे हमारे पास आ रहे हैं शीश सज्जाद गुल। शीश सज्जाद गुल मशहूर ड्रामा आर्टिस्ट सज्जी गुल के बेटे हैं। शीश सज्जाद गुल ने अपने कैरियर का आगाज मशहूर ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो से किया जिसमें शीश गुल की अदाकारी को देखते हुए इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है। दोस्तों आप सबको मैं बताता चलूं कि शीश सज्जाद गुल का एक यूट्यूब चैनल भी है। इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर 1,37,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अपने चैनल पर शीश गुल ब्लॉगिंग और शॉर्ट वीडियोज अपलोड करते हैं। तो दोस्तों नंबर 3 पे हमारी लिस्ट में आ रहे हैं लिटिल जलमी जिनका असल नाम मोहिब है। दोस्तों बहुत कम लोग ही लिटिल जलमी को जानते होंगे। दोस्तों ये पबजी के कंटेंट क्रिएटर हैं और पबजी मोबाइल के साथ पार्टनर भी हैं। लिटिल जलमी जलमी गेमिंग के छोटे भाई हैं और जलमी गेमिंग भी पबजी मोबाइल के पार्टनर हैं। दोस्तों इनके बड़े भाई के यूट्यूब के ऊपर 4,15,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। दोस्तों लिटिल जलमी इतनी सी उम्र में ही पबजी मोबाइल के पार्टनर भी हैं। दोस्तों लिटिल जलमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर 356 के सब्सक्राइबर हैं जो कि 3,56,000 सब्सक्राइबर्स बनते हैं और बहुत जल्द ही ये अपने बड़े भाई जलमी गेमिंग को भी पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों ये पबजी के कंटेंट क्रिएटर हैं और पबजी मोबाइल के रिलेटेड ही अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें गेम प्लेस और क्रिएट ओपनिंग की वीडियोस शामिल हैं। तो दोस्तों नंबर 2 पे हमारे पास आ रही हैं आयत आरिफ। दोस्तों मासूम से दिखने वाली आयत आरिफ पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा और सिंगर भी हैं। आयत आरिफ ने अपनी आवाज और मासूमियत से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इनको नाते नज़मे और कलाम पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। इनका हर एक इवेंट जैसा कि 14 अगस्त बकरा ईद रमजान या कश्मीर डे पर एक सुपर हिट ट्रैक तो जरूर आता है। दोस्तों इसके अलावा ये ड्रामा सीरीज के अंदर भी काम कर चुकी हैं और इनका पहला सुपर हिट ड्रामा दीवानगी था जिसमें इन्होंने अदाकारी करके अपना नाम बनाया। इसके अलावा ये में आजकल चलने वाले ड्रामा सीरियल फितूर में भी नजर आई हैं। आयत आरिफ के YouTube पर भी एक चैनल है जिस पर इनके सब्सक्राइबर्स तो हाइड हैं पर इनके टोटल व्यूज 20 मिलियन से भी ज्यादा हैं। अपने YouTube चैनल के ऊपर ये नातें नज़में और कलाम वगैरह पढ़कर वीडियोस अपलोड करती हैं। दोस्तों इनके टोटल व्यूज को देखते हुए हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके सब्सक्राइबर 1 मिलियन तक तो जरूर होंगे।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे हमारे पास जो नंबर 1 पे आ रहे हैं उनका नाम है अहमद अली शाह। अहमद अली शाह को पाकिस्तान में हर एक बंदा जानता है। अहमद शाह अभी तक किसी ड्रामे में तो नहीं आए, लेकिन वो मुख्तलिफ रमजान शोज के अंदर नजर आते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक कमर्शियल निदा यासिर के साथ भी किया है। दोस्तों अहमद शाह अपने बस्ते वाली वीडियो से मशहूर हुए थे और आज अहमद शाह एक बहुत बड़े किड स्टार बन चुके हैं। दोस्तों आप सबको बताता चलूं कि अहमद शाह का एक YouTube चैनल भी है जिस पर इनके 1.44 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों अपने YouTube चैनल के ऊपर ये ब्लॉगिंग करते हैं और ये पाकिस्तान के पहले किड यूट्यूबर हैं जिनके पास गोल्डन प्ले बटन भी आ चुका है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के 6 फेमस तरीन किड्स यूट्यूबर्स। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।